मेरी रफ्तार इतनी है, मतलब सबका अपना रिदम होता है। अक्स के बाद 5 साल लगे थे रंग दे बसंती, और रंग दे बसंती के बाद 3 साल के बाद दिल्ली छः, उसके 4 साल बाद भाग मिल्खा भाग, 3 साल बाद मिल से, या तो अब 3 साल बाद मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि मैं लिखता भी हूँ तो लिखने में भी वक्त जाता है, और हर टाइम एक फॉर्मूला, ये कोशिश रहती है कि एक फार्मूला फॉलो ना करूं, कुछ अपनी फिल्मों के, अपनी कहानियों के द्वारा कुछ और नया सीखूं, कुछ और नई दरवाजे खुलें, मतलब और एक सोच बढ़े। तो जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त थोड़ा और लगता है, क्योंकि आप फिर फाउंडेशन से शुरू करें। जो विमेन सेफ्टी का इशू है या रेप का इशू है, जो बलात्कार का इशू है, ये तो हमारी कॉन्शियसनेस में है ही, हम सब, ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है और सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारे जहन में ये बात रहती ही है हम सबके। एक होता है कि आप जब ऐसे इशू पे फिल्म बनाते हैं तो आप का रुख क्या, आप कहना क्या चाहते हैं। नॉर्मली अगर जब हम रेप की बात करते हैं तो एक आता है कि जस्टिस होना चाहिए, रिवेंज लो, सेफ्टी नहीं है। बट इसको मैं एक नए ढंग से देखना चाहता था, 8 साल के कनू के नज़रिए से। उसकी 24 साल की माँ सरगम, उसका रेप होता है होली के दिन। तो एक 8 साल का बच्चा, अगर आपकी माँ का रेप हो तो आपको कैसा लगेगा, मैं ये महसूस करना चाहता था। और इस कहानी के थ्रू मैं ऑडियंस को भी यही महसूस कराना चाहता हूँ कि ये रेप या बलात्कार कोई आंकड़े नहीं है, विमेन सेफ्टी सिर्फ एक नारा नहीं है, एक हैशटैग नहीं है, ये एक हमारी सोच है। और ऐसा हम होने क्यों देते हैं। मोस्टली ये 3-4 दोस्त हैं, उसमें से दो तो वहीं से थे, ये रिहैबिलिटेटेड स्लम से हैं, और एक और लड़की है, वो स्लम से नहीं थी, मंगला, वो 12 साल की है, वो ग्रुप की लीडर है, क्योंकि आजकल लड़कियां ही लीडर हैं, और ये बात मान ली जाए तो अच्छा होगा हम सबके लिए। और वो ही इनको सारे रास्ते दिखाती है, सब बताती है। मैंने इनसे कैसे काम करवाया, इसका विपरीत है, इन्होंने मेरे से काम करवाया, मतलब इन्होंने मेरे को डायरेक्शन सिखाई, जो इनके मन में आता था वो करते थे, जैसा इनका मूड होता था वैसे करते थे। और बच्चों के साथ काम करने का मज़ा ही ये है कि वो नेचुरल एक्टर्स होते हैं, वो एक्टिंग की एक्टिंग नहीं करते, उनको कुछ एफर्ट नहीं करना होता। अगर उनको बात समझ में आप आ गई तो वो जो भी करेंगे उसमें सच्चाई छलती। तो इन्होंने बहुत मन लगा के काम किया, और जब फिल्म ख़त्म हुई तो इन्होंने मेरे को एक बेहतर डायरेक्टर बनाया, ना कि मैंने उन्हें एक्टर, तो उल्टा है। नहीं, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो मैं देना चाहूँगा, मेरे को क्या मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं आज की ऑडियंस को देना चाहूँगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे इसका 1 मिलियन तक भी नंबर पहुंचेगा, कि 1 मिलियन में कोई 10 लाख लोग होते हैं। तो क्या 10 लाख लोग भी देखेंगे? अब पता चल रहा है कि 10 मिलियन होने वाले हैं, मतलब हमारी ऑडियंस जो है वो बदल नहीं रही है, वो बदल चुकी है, एक दूसरे लेवल पे आ गई है और इवॉल्व हो गई है, और ये बदलाव एक सही डायरेक्शन में हुआ है। तो अगर वो इस फिल्म को, जिसमें कोई स्टार नहीं है, दिख रहा है रियलिज्म पे फिल्म है, एक सोशल सामाजिक इश्यू को लेके फिल्म है, अगर वो इसको सराहा रहे हैं ट्रेलर लेवल पे, तो ये बहुत इंकरेजिंग बात है। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ऑडियंस को जाता है जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट लेखनी में हैं अभी, राइटिंग में हैं, 3-4 फिल्में, और एक फिल्म मैं फरहान अख्तर के साथ कर रहा हूँ, भाग मिल्खा भाग के बाद 6 साल बाद, उसका नाम तूफान है।
जो अंजुम राजा बली लिख रहे हैं, उनकी बहुत प्यारी कहानी लिखी है उन्होंने, तो उसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। होपफुली एंड ऑफ द ईयर शूटिंग शुरू हो जाएगी। जी नमस्कार, मेरा नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए पीपिंग मून .com।